आज हम बनाने वाले हैं चना मसाला। चने के छोले तो आप सब बहुत खाए होंगे और इसे अपने घर पर बनाते भी होंगे, लेकिन आज हम बनाने वाले हैं चना मसाला। इसको भी लगभग उसी तरह बनाया जाता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है उससे अलग होता है। यह चना मसाला उतने ही समय में बन जाते हैं जितने कि छोले को बनाने में लगते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चना मसाला बनाना। चना मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप चना 8 घंटे के लिए भिगो दिया था। चने को फूलने के बाद हमने इसको पानी साफ करके इसका पानी निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं चने एकदम फूल कर खिल गए हैं और ये बड़े बड़े हो गए हैं। अब हम मसाले को तैयार करेंगे। पहले हम खड़े मसाले को भून लेते हैं। उसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया है, गैस हमारा पहले से ऑन है। कढ़ाई में हम डाल देते हैं 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 2 सूखी लाल मिर्च। अब सभी मसालों को हम बराबर चलाते हुए भूनेंगे। इसको हम धीमी आंच पर लगभग 2 मिनट तक भूनेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। मसाले से हल्की खुशबू आने तक हमें इसे भूनना है। मसाले में से खुशबू आने लगी है। अब मसाले हल्के भून गए हैं। इसको हम अब प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाले को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे हम रख देते हैं ठंडे होने के लिए, तब इसको हम पीसेंगे। ये मसाले ठंडे हो गए हैं। अब सभी मसालों को हम जार में डाल देते हैं। अब मसाले को हम पीस कर इसका पाउडर बना लेते हैं। मसाले को हमने पीस कर पाउडर बना दिया है। अब मसाले को हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। अब हम चने को उबालेंगे। गैस पर हमने कुकर को रख दिया है। अब कुकर में हम सारे चने को डाल देते हैं। चने को कुकर में डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी, 1 कप, 2 कप और ये 3 कप। अब इसी में हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं। यहाँ पर हमने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा जावित्री और 2 टुकड़ा दालचीनी। इन मसालों को हम चने में डालकर मिला लेते हैं। अब गैस को हम मीडियम में कर देते हैं और कुकर को ढककर चने को 7 सीटी आने तक पकाएंगे। अब कुकर के 7 सीटी बज चुके हैं। अब कुकर को हम गैस से हटा कर रख देते हैं ठंडे होने के लिए और गैस पर हम कढ़ाई को रख देते हैं। जब तक कि कुकर हमारे ठंडे हो रहे हैं तब तक के लिए हम मसाले को पका कर तैयार करेंगे। अब कढ़ाई में हम डाल देते हैं 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल और तेल को गर्म कर लेते हैं। हम चना मसाला सरसों के तेल में बना रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। तेल गर्म हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 तेज़पत्ता डाल देते हैं, 1 छोटी चम्मच जीरे को डाल देते हैं। हम जीरा और तेजपत्ता को भून लेते हैं जिससे जीरा का फ्लेवर जो है वो तेल में अच्छे से आ जाए। जीरा और तेजपत्ता को हमने भून लिया है। अब इसमें हम 4 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। अब हम प्याज को बराबर चलाते हुए सुनहरे रंग में भूनेंगे। गैस को हमने मीडियम में किया है जिससे प्याज अच्छे से भून जाए और जले ना। प्याज को हमने सुनहरे कलर में भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। जो मसाले को हमने भून कर पीसा था उसे हम 2 चम्मच डाल देते हैं। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। अब सभी मसाले को हम प्याज में अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हमें और मसाले को नहीं डालना है, केवल हम इतने ही मसाले डालेंगे। प्याज में हमने मसाले को अच्छे से मिला दिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर हमने 3 टमाटर का पेस्ट बना कर लिया है, इसे हम मसाले में डाल देते हैं। इसी में हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब मसाले को हम धीमी आंच पर बराबर चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक मसाले पककर सूखे न हो जाएं और मसाले अपना तेल न छोड़ दें।
धीमी आंच पर मसाले को पकाने से मसाले का टेस्ट जो है उसी में बना रहता है और मसाले अच्छे से पक भी जाते हैं। आप देख सकते हैं मसाले जो है पककर सूखे हो गए हैं और मसाले ने अपना तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम चने को डालेंगे। कुकर का प्रेशर निकल चुका है, कुकर ठंडे हो चुके हैं। अब ढक्कन हटाकर हम चने को आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं चने अच्छे से पक गए हैं। तो चलिए अब इसे हम मसाले में डालकर पका लेते हैं। मसाले में हम चने को डाल देते हैं और चने को हम मसाले में अच्छे से मिला देते हैं, जिससे चने जो हैं वो मसाले में पूरी तरह से मिल जाएं। हमने आधी छोटी चम्मच नमक को चने में डाला था, आधी छोटी चम्मच नमक हम और डाल देते हैं। यहाँ पर हमने दो हरी मिर्च इस तरीके से दो भागों में काट कर लिया है, इसको हम डालकर नमक के साथ चने में मिला देते हैं। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए आधा कप पानी डाल देते हैं। हम बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, इसे हम थोड़ा गाढ़ा ही बनाएंगे, लेकिन आप चाहें तो पानी और डालकर पतला ग्रेवी बना सकते हैं। अब इसको हम ढककर मीडियम आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे, जिससे पानी और नमक अच्छे से पक जाएं। अब 10 मिनट बाद हम ढक्कन को हटा देते हैं। इसमें से पानी और नमक पूरी तरह से पक चुका है, चना मसाला बनकर हमारा पूरी तरह से तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिला देते हैं। हरा धनिया डालने से चना मसाला का टेस्ट और बढ़ जाता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चना मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ है। यह पूरी तरह से बनकर खाने के लिए तैयार है। अब चना मसाला को हम एक बर्तन में निकालकर आपको दिखाते हैं। इसका स्वाद छोले से भी ज़्यादा टेस्टी होता है, इसे आप कभी भी बना सकते हैं। इसके ऊपर से थोड़ा हरा धनिया और प्याज लगाकर गार्निश कर देते हैं। इस तरह का चना मसाला खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इसे आप रोटी चावल पराठे के साथ खा सकते हैं और कचौरी के साथ भी खा सकते हैं। अगर घर में कोई सब्जी ना हो तो इस तरह से आप घर में छोले मसाले बना सकते हैं। यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं।